बिना पजल सॉल्व के हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को निकालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि आपको ध्यान होगा जब लास्ट टाइम आपने पुलिस भर्ती परीक्षा में पार्टिसिपेट किया था तो उसमें आप रिजल्ट के बाद एक एक नंबर के लिए तड़प रहे थे। और यदि आप चाहते हैं कि इस बार पेपर के बाद आपकी जिंदगी में जो है वो दिन देखने को ना मिले, तो उसके लिए आपको पजल पे काफी मेहनत करनी होगी। और इसी के मद्देनजर हमने अपने लास्ट जो वीडियो था उसमें भी पजल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है, डिस्कस किए थे। तो आज भी हम पजल के आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। आपको करना क्या है, जैसे ही आपको अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन मिलता है आपको वीडियो को वहीं रोक लेना है, उस पजल को सॉल्व करना है। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि कम से कम 4 और 5 मिनट से ज्यादा आपको उसमें समय नहीं लेना है। इसका मतलब यह कि अगर आप 5 मिनट के अंदर सॉल्व कर जाते हैं तो आप पजल पेपर में भी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए साथियों, उम्मीद करता हूं कि अब तक बहुत सारे लोगों ने इसका सॉल्यूशन कर लिया होगा, किस तरीके से इसका फॉर्मेट बनना था वो आपने बना लिया होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर क्या इसका राइट फॉर्मेट रहता है और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में आपने पढ़ा होगा कि यहां पर कुछ 8 मित्र हैं जो एक वृत्त में बैठे हैं और केंद्र की तरफ उन्होंने अपना मुंह किया है और सबके जो प्रोफेशन है वो अलग अलग है, ठीक है। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट में कहा गया था कि 8 मित्र हैं और कहां बैठे हैं, एक वृत्त में बैठे हैं। वृत्त यानी कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बनाना होगा, क्वेश्चन में आपको एक ऐसा वृत्त बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें बोला था कि 8 मित्र हैं, तो देखिए 8 मित्र हैं, आमने सामने हैं, तो कुछ इस तरीके से आएंगे। ये 4 हो गए, ये 6 हो गए और ये कितने हो गए, 8 मित्र आपके बनते हैं। आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और सबके अगर फेस की बात करें तो फेस कहां बताए गए हैं, फेस इनके बताए गए हैं सेंटर की तरफ। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। पहली स्टेटमेंट अगर आप देखें तो पहली स्टेटमेंट में क्या कहा गया था, पहली स्टेटमेंट में ये कहा गया था कि एफ के बाएं को दूसरे स्थान पर है, तो एफ आप नहीं भी बना सकते हैं। तो मैंने जो अपना एफ है वो बना लिया मैंने यहां, ठीक है। बोलता है जो एफ है वो कहां है, इस एफ को मैं अंदर इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे यहां इनके प्रोफेशन भी लिखने हैं, तो प्रोफेशन मैं इसका नीचे लिख लूंगा, ठीक है, और जो नाम होंगे वो अंदर कर लूंगा ताकि मुझे क्लियरिफिकेशन बराबर है। बोलता है जो एफ है वो कहां है, वो जो के है, के की बाई तरफ। अब देखिए दाया बाया यहां पर हम समझे, तो जब भी आपको दाया बोला जाएगा तो हमेशा आपको इस तरफ जाना है, ठीक है, और जब बाया बोला जाएगा तो आपको इस तरफ मूव करना है। तो यहां बोला था एफ जो है के की बाई तरफ किस नंबर पे है, दूसरे नंबर पे। तो ये के हो गया, ये इसकी जो है हमारी लेफ्ट साइड हो गई और पहला और दूसरा ये नंबर हो गया, ठीक है। तो इस एरो को मैं साफ कर लेता हूं क्योंकि मुझे यहां लिखना भी है, ठीक है। तो समझने के लिए आप समझ लें कि जब भी आपको बोला जाएगा लेफ्ट साइड की तरफ तो आपको जो है क्लॉकवाइज जाना है, और जब बोला होगा राइट साइड की तरफ तो आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। अगली स्टेटमेंट क्या बोलती है, अगली स्टेटमेंट ये बोलती है कि जो वैज्ञानिक है वो कहां बैठा है, के बगल में बैठा है। तो ये के है, के बगल में मैं कौन बना देता हूं, मैं के बगल में वैज्ञानिक बना देता हूं। लेकिन यहां पर अगर ध्यान से आप साथियों देखेंगे, के दो बगल है, एक ये बगल है एक ये बगल है। अब वैज्ञानिक आपका यहां भी हो सकता है, वैज्ञानिक आपका यहां भी हो सकता है। तो कंफ्यूजन से बचने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे एक और सर्कल यहां बना लेना है, ठीक है, और सेम मुझे दोनों सर्कल पे अपनी कंडीशनें अप्लाई करनी है। क्योंकि होता क्या है, जब हम पेपर में जाते हैं हम पेन से सॉल्व करते हैं चीजें, और यहां भी मैं वैज्ञानिक लिख लूंगा, यहां भी मैं वैज्ञानिक लिखूंगा, तो लास्ट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन के चांसेस रहते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन जो है साथ साथ में बनाते रहेंगे दोनों स्टेटमेंट में। यहां मेरे पास क्या था, एफ था, यहां मेरे पास के था, और के बगल में वैज्ञानिक बोला था, ठीक है। वैज्ञानिक एक मैंने यहां बनाया, तो हो सकता है आपका वैज्ञानिक यहां हो, यहां हो, तो आपने वैज्ञानिक यहां बना लिया। अगली स्टेटमेंट अगर आप पढ़े तो अगली स्टेटमेंट क्या बोलती है, अगली स्टेटमेंट ये बोलती है कि वैज्ञानिक और ई के बीच में केवल 3 व्यक्ति है, एक ई है और एक जो वैज्ञानिक है, उनके बीच में 3 आदमी आने चाहिए। अब देखिए दोस्तों, जब 8 आदमियों की आपको सिचुएशन दी होगी और बीच में 3 आदमी बोला होगा तो हमेशा आमने सामने पोजीशन आती है, ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे ई बोला है और वैज्ञानिक बोला है, उसके बीच में कितने आदमी है, 3। अब चाहे आप इस तरफ से देखें तो 1 2 3, तब भी 3 बन रहे हैं, इस तरफ से देखें तब भी आपके कितने बन रहे हैं, 1 2 3। तो सेम हम यहां भी लगा लेंगे, तो वैज्ञानिक यहां है तो ई बिल्कुल उसके सामने आ जाता है। उम्मीद करता हूं कि इतना आप लोग समझ चुके होंगे और बिल्कुल धैर्य के साथ वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहे।
अगली लाइन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगली लाइन क्या बोलती है, इंजीनियर और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। बोलता है इंजीनियर और ई है, उसके बीच में एक व्यक्ति बैठा है। अब इंजीनियर कहां हो सकता है, ये मेरा ई फिक्स है, तो इंजीनियर और ई के बीच में एक आदमी आना चाहिए। अगर मेरा इंजीनियर यहां आता है तो उन दोनों के बीच में ये आदमी आएगा, अगर मेरा इंजीनियर यहां आता है तो इन दोनों के बीच में एक आदमी आएगा। तो अभी हमें पता नहीं, अब ऐसा तो नहीं है कि मैं और सर्कल बना लूंगा, ठीक है, तब तो मैं सर्कल ही बनाता रहेगा। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि इंजीनियर और ई के बीच में आपको एक आदमी लास्ट में सेटल करना है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट पर, जो कि क्या बोलती है, कॉलमनिस्ट इंजीनियर की दाई बगल में है। अब देखिए कॉलमनिस्ट ऑटोमेटिक बन जाएगा जब हमारा इंजीनियर बनेगा, तो फिलहाल इसको भी हम होल्ड पे रखते हैं। अगली लाइन बोलती है एम के दाएं को दूसरा है, जो एम है वो कहां बैठा है, के की दाएं तरफ, तो ये के है, ये इसकी दाएं तरफ है, और दाएं तरफ किस नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, ठीक है जी। तो एम जो है ये थोड़ा मैंने बाहर बना लिया है, चले कोई दिक्कत नहीं है। बोलता है एम जो है कहां है, के दाएं तरफ है, और किस नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, तो बना लिया मैंने। तो यहां मेरा के था, इसकी दाएं तरफ एम यहां आ गया, ठीक है। आई होप इतना आप लोग समझ चुके होंगे। अगली स्टेटमेंट की तरफ यदि हम आगे बढ़े तो अगली स्टेटमेंट बोलती है एच वैज्ञानिक है। एच क्या है जी, वैज्ञानिक है। तो वैज्ञानिक तो हमारे पास पहले बना था, तो इसको मैंने बोल दिया भाई एच क्या है, वैज्ञानिक है, तो मैंने लिख दिया एच क्या है, वैज्ञानिक है। आगे हम बढ़ते हैं, अगली लाइन हमें क्या बोलती है, जी व जे एक दूसरे के अगल बगल बैठते हैं। मतलब जो जी आएगा और जे आएगा वो एक दूसरे के आसपास बैठते हैं। अब या तो जी जे ऐसे बैठे होंगे या तो जे जी ऐसे बैठे होंगे, बड़ी सीधी सी बात है, ठीक है। तो अब यहां पर आप देखें ऐसी कौन सी पोजीशन है जो बिल्कुल अटैच में है और खाली है, ये पोजीशन खाली है, यहां पर आप देखें ये पोजीशन खाली है, ठीक है, यहां भी खाली है, लेकिन ये फिर अगल बगल में नहीं आएंगे, ठीक है, दोनों साथ में चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां जी लिख दिया और यहां इसके लिए मैंने क्या लिख दिया, जे लिख दिया, क्लियर है। इनको मैं थोड़ा और क्लियर लिख देता हूं, पास पास में यहां पे जी लिखता हूं, यहां पे जे लिखता हूं, तो मैंने यहां जी लिख लिया और यहां मैंने जे लिख दिया। अगली लाइन बोलती है कि जी और जे इंजीनियर नहीं है। बोलता है ना ही जी और ना ही जे इंजीनियर नहीं हो सकते हैं। तो अब जी और जे अगर इंजीनियर नहीं हो सकते तो एक लाइन हमने पीछे छोड़ी थी, आपको याद होगा, जिसमें कहा गया था इंजीनियर और ई के बीच में एक आदमी है। अब देखिए अगर मैं इसको इंजीनियर बनाता तो इंजीनियर और ई के बीच में एक आदमी आ जाता, लेकिन बोला है जी और जे तो इंजीनियर है ही नहीं, तो यानी कि जो मेरा इंजीनियर है वो कहां आएगा, इंजीनियर मेरा यहां आएगा, हो गया ना इंजीनियर और ई के बीच में एक आदमी। सेम बात अगर हम यहां पर करें तो ये मेरा ई है, ठीक है, तो इंजीनियर मैं यहां तो नहीं बना सकता हूं, तो इस केस में मेरा इंजीनियर कहां बनेगा, इंजीनियर की पोजीशन मेरी कुछ यहां बनेगी। अगली लाइन की तरफ अगर हम आगे बढ़ते हैं, वो बोलता है वित्तीय विश्लेषक एफ की बाई बगल में है। जो एफ है, एफ की बाई यानी कि लेफ्ट साइड में कौन है, वित्तीय विश्लेषक है। कौन है भाई, वित्तीय विश्लेषक, ठीक है। तो यहां भी एफ का जो मेरे पास बाई बगल है उसमें कौन है, यहां भी मैं लिखता हूं इसका कौन सा आ गया, वित्तीय विश्लेषक जो आ गया वो यहां आ गया। अगली लाइन हमें क्या बोलती है, वकील कम्युनिस्ट के दाएं को दूसरा है। वकील जो है वो क्या है, कॉम्युनिस्ट के दाएं को दूसरा है। अभी हमारे पास कॉम्युनिस्ट आया ही नहीं है। अगली लाइन हम देखते हैं, प्रोफेसर इंजीनियर की बगल में बैठा है। अब बोलता है जो प्रोफेसर है वो कहां बैठा है, इंजीनियर की बगल में, यहां यहां कहीं भी हो सकता है, लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है। अगली हम लाइन में चलते हैं, जो कि क्या है, वकील कॉम्युनिस्ट के दाएं को दूसरा है, ठीक है, तो अभी भी हमारे पास कॉम्युनिस्ट भी नहीं है। अगली अगर हम लाइन देखें तो जी चार्टर्ड अकाउंट के दाएं को दूसरा है। बोलता है जी जो है वो कहां है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के दाएं को दूसरा है। मतलब जी कहां आना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंट के दाएं को दूसरा आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी चीजें आती है, एक बार हम फिर से इसको देखते हैं कि ये क्या क्वेश्चन हमारा बोलता है। तो देखिए हमें सबसे पहले कहा गया था कि एफ के बाएं को दूसरे स्थान पर है, हमने बना दिया। वैज्ञानिक के की बगल में है, हमने बना दिया। वैज्ञानिक और ई के बीच में केवल तीन आदमी है, हमने बना दिया। इंजीनियर और ई के बीच में एक आदमी है, हमने बना दिया। कॉम्युनिस्ट इंजीनियर की दाई बगल में है, बोलता है जो कॉम्युनिस्ट है वो इंजीनियर की दाई बगल में है। तो देखिए इंजीनियर मेरे पास था
तो यानी कि मेरे पास कॉलमनिस्ट कहां आ जाएगा, तो कॉलमनिस्ट मेरा इसके दाई बगल में आ गया भाई, ठीक है। तो यहां मेरा इंजीनियर था, उसके हिसाब से कॉलमनिस्ट इसका कहां आ गया, मैंने कॉल करके यहां लिख रहा हूं कॉलमनिस्ट यहां आ गया। अगली लाइन में बोला है एम के दाई को दूसरा है, तो बोलता है जो एम है वो के दाई को दूसरा है, ऑलरेडी बना चुके हैं। अगला बोलता है एच वैज्ञानिक है, बना दिया है। जी और जे एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हैं, वो भी हमने बना दिया है, ना तो जी और ना जे इंजीनियर, ये भी हमने बना दिया है। वित्तीय विश्लेषक एफ के बाई बगल में है, बोलता है जो वित्तीय विश्लेषक है वो एफ के बाई बगल में है, वो भी हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अगली लाइन क्या बोलती है, अगली लाइन बोलती है कि वकील जो है कॉलमनिस्ट के दाएं को दूसरा है। वकील कहां है, जो कॉलमनिस्ट है उसका दाया, यानी कि राइट साइड को किस स्थान पर है, दूसरे स्थान पर। तो यानी कि जो ये बंदा है ये कौन आ जाएगा, वकील आ जाएगा। इस केस में देखें कॉलमनिस्ट मेरा कहां था, कॉलमनिस्ट था मेरा, एक स्टेटमेंट दी गई थी कॉलमनिस्ट इंजीनियर के कहां बताया था भाई, दाएं बगल में। तो ये इंजीनियर था, इंजीनियर के दाएं बगल में कॉलमनिस्ट था। और अभी जो लाइन है वो क्या बोल रही है, बोले वकील जो है कॉलमनिस्ट के कहां है, वकील कॉलमनिस्ट के दाएं को दूसरा है। तो वकील कॉलमनिस्ट के दाएं को दूसरा है, तो वकील इस केस में मेरा यहां आ गया, ठीक है। अगली लाइन अगर हम देखते हैं तो अगली लाइन बोलती है प्रोफेसर इंजीनियर की बगल में बैठा है। प्रोफेसर कहां बैठा है, इंजीनियर की बगल में। तो ये इंजीनियर है इसकी बगल में, एक तो कॉलमनिस्ट है, तो यहां पर मेरा क्या आ जाएगा, प्रोफेसर जो है मेरा यहां आ जाएगा, ठीक है। तो बोलता है प्रोफेसर कहां बैठा है, इंजीनियर की बगल में। तो ये प्रोफेसर मेरा यहां आ जाएगा, क्योंकि इसके ये वाला तो फुल है, ठीक है। तो देखिए एफ यहां पे प्रोफेसर आ गया। अगली लाइन अगर हम देखें तो देखें बोला क्या गया है, जी चार्टेड अकाउंट के दाएं को दूसरा है। जो जी है वो कहां है, चार्टेड अकाउंट के दाएं को दूसरा। अब देखिए कैसे हम बना सकते हैं, ये आना चाहिए दूसरा दाई तरफ, देखिए इसके दाई तरफ अगर मैं दूसरा देखूं तो ये आ रहा है, लेकिन इसकी पोजीशन तो मेरे पास ऑलरेडी है। ये बोल रहा है कि जी जो है कहां आना चाहिए, चार्टेड अकाउंट की दाई तरफ दूसरा। तो आपको ध्यान होगा मैं बोला था कि जी और जे की पोजीशन हम बदल सकते हैं, यदि आप इसको जे कर दें और इसको आप जी कर दें, तो देखिए हमारी समस्या ही सॉल्व हो गई। क्या सॉल्व हो गई, जी कहां है, जो अकाउंटेंट है बोलता है अकाउंट वाला जो है चार्टेड अकाउंटेंट उसकी दाई तरफ, यानी कि राइट तरफ है, किस नंबर पे है, दूसरे नंबर पे। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तो जी की पोजीशन भी हमारे पास आ गई, क्लियर है। तो यहां पर भी आप ऐसा कर सकते हैं, देखिए जी जो है चार्टेड अकाउंट के दाई तरफ दूसरा है, तो किस तरीके से हमारे पास यहां पर दूसरा आ सकता है जी, ठीक है। तो इसको अगर आप एडजस्ट करें तो ये एडजस्ट ही नहीं होगा, आप देखें, क्योंकि यहां पर जी और जे कैसे आएगा, यहां वैज्ञानिक है, यहां एम है, यहां के है, ये तो मेरी सारी पोजीशन सॉल्व है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ की आठ पोजीशन सॉल्व है, ठीक है। ये वित्तीय वाला है, प्रोफेसर है, ठीक है। तो यहां पर तो ये पोजीशन मेरे पास बन ही नहीं सकती कि अकाउंटेंट भी मेरा कहीं एडजस्ट होगा, ठीक है। तो यानी कि ये जो मेरा तरीका है ये काम नहीं करेगा, ये बिल्कुल गलत हो गया, इसके लिए मुझे इसको ही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे ये क्या बोलता है, जी जो है चार्टर्ड अकाउंट के दाएं को दूसरा है, हमने बना दिया। प्रोफेसर इंजीनियर के बगल में बैठा है, प्रोफेसर इंजीनियर के बगल में बैठा है, बिल्कुल सही हमने बता दिया। जी तो मेरे पास वित्तीय विश्लेषक ऑलरेडी था, तो हमारे पास एक ही पोजीशन खाली बचती है, जो कि क्या बचती है, डॉक्टर की। क्या बचती है जी, डॉक्टर की पोजीशन बचती है। तो डॉक्टर मेरा कहाँ आ जाएगा, डॉक्टर मेरा आ जाएगा इस पोजीशन पे। तो मेरे पास सारे नाम भी आ गए हैं। अब ये हमने कैंसिल क्यों किया, एक बार फिर से बताता हूं, क्योंकि देखिए जी कहाँ आना चाहिए था, जी आना चाहिए था अकाउंटेंट से दूसरी साइड पे, ठीक है। तो यहां पर तो मेरे पास दो ही नाम बचे थे, एक बचा था मेरे पास डॉक्टर, और एक बचा था मेरे पास कौन बचा था भाई, वित्तीय सॉरी अकाउंटेंट। तो डॉक्टर अकाउंटेंट मेरे यहां आ जाते तो बात बनती ही नहीं, क्योंकि इसमें बोला था कि जो अकाउंटेंट है और जी है उसके बीच में दो आदमी रहने थे, तो यहां तो एक ही आदमी बच रहा था, यानी कि ये केस तो लागू नहीं हो सकता था। तो चलिए अभी मतलब जो हमारी कंडीशन जो हुई वो ये वाला हमारी बिल्कुल सही बन गई, और आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, अभी भी इसमें एक कमी है, वो क्या है, सबके नाम यहाँ हमें पता चल चुका है लेकिन इंजीनियर का नाम नहीं है। तो एक ही हमारे पास अल्फाबेट बचता है जो कि एल दिया था, तो इंजीनियर का नाम क्या हो गया, एल हो गया। तो अभी देखते हैं हम पहला क्वेश्चन जो कि है आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो मुझे जरा बुक से यहां पर देखना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ई के दाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा गया है। तो ई देखें, ई के दाईं तरफ दूसरा कौन बैठा है, तो ये पहला हो गया, दाया क्या होता है इस तरफ,
तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तो कौन बैठा है, जी बैठा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका है वो बी बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर टू अगर आप देखें जो कि है, निम्न में से प्रोफेसर कौन है, निम्न में से प्रोफेसर कौन है, तो प्रोफेसर हमारा ये है, प्रोफेसर कौन है ये है, तो राइट आंसर आप इसका देख सकते हैं, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी जो कि क्या दिया है, के दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। बोलता है कि यदि आप जो है इस व्यवस्था को देखें तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन जो है समूह में नहीं आता है, मतलब ये जो चार आपको ऑप्शन दिए हैं इनका एक समूह बनता है और एक ऐसा है जो उन सबसे अलग है। बोलता है एच चार्टेड अकाउंटेंट, तो एच कहां है, एच ये है, ठीक है, और अकाउंटेंट कहां है, ये है। तो अगर हम देखें तो कितना छोड़ के है, एक दो तीन, फिर है चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है, मतलब तीन का गैप है। अगला बोला है एम डॉक्टर, अगेन ये बोलता है आपने एम डॉक्टर, क्लॉकवाइज अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, एक दो तीन छोड़ के क्या है, डॉक्टर है, यानी कि जो अल्फाबेट आपको दिया है उसमें यदि आप एंटो क्लॉकवाइज चलते हैं और तीन आदमी छोड़ते हैं तो वो आंसर बता है। अगला बोलता है जे इंजीनियर, तो जे कहां है, फर्स्ट ऑफ ऑल जे तो ये है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज एक दो तीन छोड़ के क्या आना चाहिए था, प्रोफेसर आना चाहिए था, लेकिन ये तो इंजीनियर बता रहा है। अगला की भी हम ऑप्शन देख लेते हैं, एल वित्तीय विश्लेषक, तो एल कहां है, एल ये है, तो एक दो तीन छोड़ के वित्तीय विश्लेषक, मतलब सारी चीजें सेम है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी अलग है, जे इंजीनियर, क्योंकि यदि आप जे से एंटी क्लॉकवाइज तीन नंबर छोड़ते हैं एक दो तीन तो आपका प्रोफेसर आ रहा है, लेकिन यहाँ क्या बता रहे, इंजीनियर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि था वैज्ञानिक के संबंध में एल का स्थान कौन सा है, वैज्ञानिक के संबंध में आप देखिए बताएं जो एल है एल का कौन सा स्थान है, तो ऑप्शन ए बोल रहा है बाएं को तीसरा, तो क्या बाएं को तीसरा है भाई एल का स्थान, वैज्ञानिक ये है एल मेरा ये है, ये तो दाएं को दूसरा है, मतलब ये गलत बता रहा है। अगला ये बोल रहा है क्या हो रहा है, वैज्ञानिक के संबंध में कौन सा स्थान है, दाएं को दूसरा, जो कि बिल्कुल है भाई, वैज्ञानिक के संबंध में जो है एल का स्थान अगर आप देखें तो दाएं तरफ कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दी गई व्यवस्था के अनुसार निम्न में से कौन सा सत्य है, ट्रुथ आपको बताना है, तो पहला ही ऑप्शन आपको दिया है वकील डॉक्टर के बाएं को दूसरा है, आप देख सकते हैं बारी बारी हम ऑप्शन देखते हैं, तो बोलता है वकील जो है डॉक्टर के बाएं को दूसरा, ये डॉक्टर है ये डॉक्टर की बाईं तरफ है, तो पहला और दूसरे नंबर पे कौन है, वकील है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा निकल गया, अगले तो ऑप्शन देखने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न, उम्मीद करता हूं कि मैक्सिमम लोगों का भी बिल्कुल सही रहा होगा। तो अभी देखेंगे दूसरा क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे पहुंच चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब तक जो है आपने जो सेकेंड क्वेश्चन आपको आया था स्क्रीन के ऊपर उसका सॉल्यूशन भी आपने कर लिया होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इसमें आपको कम से कम तीन या चार मिनट लगने चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट हमें क्या बोलते हैं कि कोई टेनिस कोच आने वाले टूर्नामेंट के लिए चार खिलाड़ियों की एक टीम इकट्ठी करना चाहता है, इसके लिए सात खिलाड़ी उपलब्ध है, उनमें से जो है तीन पुरुष है और चार महिलाएं, सभी खिलाड़ियों की समानताएं जो है कैपेसिटी जो समान है और कम से कम दो पुरुषों का होना जरूरी है, चार की टीम के लिए सभी खिलाड़ियों का एक दूसरे के खेलने का योग्य होना भी जरूरी है, ठीक है, और कुछ कंडीशन दिए कि कौन किसके साथ नहीं खेलता। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले बात करनी है कि टोटल जो प्लेयर्स हैं, ठीक है, प्लेयर्स टोटल आपके पास कितने हैं, सेवन है, यही बोला था। उसके बाद बोला था कि यदि मैं मेल कैंडिडेट की बात करूं, अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल कितने हैं, चार है, फीमेल कितनी है, सॉरी मेल तीन है और फीमेल कितनी है, चार है, तो टोटल कितने हो जाते हैं, सेवन हो जाते हैं। और साथ ही साथ बोला गया है कि कम से कम एक टीम में जो है कितने पुरुषों का होना आवश्यक है, तो कम से कम, ठीक है, ये बिल्कुल स्टार वाला पॉइंट है क्योंकि इसमें कहा गया है कि कम से कम हर टीम में कितने पुरुष होने चाहिए, दो पुरुष होने चाहिए, ये चीजें आपको नोट करनी है। और साथ में अगला बोला था कि कौन किसके साथ नहीं खेलता है, बोला था कि बी जो है डब्ल्यू के साथ नहीं खेलता है, बी और डब्ल्यू बोलता है आपस में दोनों खेलते नहीं है, मैंने कट मार दिया कि आपस में नहीं खेल सकते, ठीक है। अगली ये बात करता है कौन आपस में नहीं खेल सकता, अगला जो खिलाड़ी है जो यहां पर बताया गया सी और जेड, डब्ल्यू और वाई, बोलता है सी और जेड भी नहीं खेलते हैं, और अगला बोलता है डब्ल्यू और वाई भी नहीं खेलते हैं, यानी कि ये जो खिलाड़ी है ये आपस में बिल्कुल भी नहीं खेलते हैं, ठीक है, तो ये आपस में एक टीम में नहीं हो सकते हैं। तो चलिए अभी हम सीधा क्वेश्चन की तरफ चलेंगे क्योंकि वहीं से हमारे इसके आंसर निकल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन यहां से पूछा गया था, तो चलिए दोस्तों ये हमारी स्टेटमेंट बन चुकी है,
तो अभी हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है वो आप देख पा रहे होंगे कि यदि वाई को चुना जाए और बी को ना चुना जाए, किसको चुना जाए, वाई को हम चुन लें और बी को ना चुने, तो चार ऑप्शन आपको दिए हैं, इनमें से कौन सी टीम रहेगी आपकी। तो पहला ऑप्शन आप देखें क्या है, ए सी डब्ल्यू और वाई, ए सी डब्ल्यू और वाई। देखिए आपने ए को ले लिया, सी को ले लिया, डब्ल्यू को ले लिया और वाई को ले लिया। अब आप कंडीशन में देखें, ठीक है, डब्ल्यू और वाई तो आपस में नहीं खेलते हैं, यानी कि ये टीम तो मेरी नहीं बन सकती है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन अगर आप देखें जो कि है आपके पास ए सी एक्स और वाई, कौन कौन है भाई, ए है, सी है, एक्स है और कौन है, वाई है। अगर आप इसमें देखें तो इसमें ए सी तो आपको लेना ही था, क्योंकि बी नहीं लिया तो ए सी तो हमारा कंपल्सरी हो जाता है, एक्स तो सबके साथ खेल जाता है, वाई केवल डब्ल्यू के साथ नहीं खेलता है, तो ये तो हमारी टीम बन गई एक्यूरेट, ये आपकी बन सकती है। साथ ही साथ अगर आप अन्य ऑप्शन भी देखना चाहें, आप देख सकते हैं ए सी वाई जेड, अगला ऑप्शन जो आपको दिया है क्या दिया है, ए सी और वाई जेड दिया है, तो ए सी तो आपको लेना ही है टीम में, लेकिन वाई जेड की अगर आप बात करें, ठीक है, वो आपने ले लिया जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे देखिए सी और जेड नहीं खेलते, तो यहाँ सी और जेड कॉमन आ रहा है, मतलब ये टीम भी नहीं हो सकती। अगले ऑप्शन में आप देखें कौन है, ए डब्ल्यू वाई जेड, क्या है देखें, लास्ट ऑप्शन ए डब्ल्यू वाई जेड, ठीक है। तो आप देखते हैं कि ए और वाई तो खेल जाएंगे, लेकिन कौन इसमें नहीं खेलेगा आपस में, जल्दी से बताएंगे। डब्ल्यू और वाई देखें आप बोलते हैं कि नहीं खेल सकता है, तो यहां तो खेल रहे हैं लेकिन ये भी टीम नहीं हो सकती, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जो कि कह रहा है यदि बी को चुना जाए और वाई को ना चुना जाए तो निम्न समूहों में से किस एक से मिलकर टीम बनेगी, यानी कि बी को चुना जाए और वाई को ना चुना जाए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपको बोल रहा है, आप देख सकते हैं ए बी सी और डब्ल्यू, क्या बता रहा है, ए बी सी और डब्ल्यू। तो यहां अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो बोला गया है यदि आप बी को चुन ले, ठीक है, और साथ में यहां पे डब्ल्यू भी देके रखा है, देखो तो बी और डब्ल्यू तो काम करते ही है, यानी कि ये टीम आपकी क्या हो जाती है, कैंसिल, ये तो बन ही नहीं सकती। सेकेंड ऑप्शन आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर जो कि है ए बी सी और जेड, ए बी सी और जेड, ठीक है, बी आपने चुन लिया है, ठीक है, सी और जेड देखिए आपस में टीम नहीं बना सकते हैं, यानी कि ये टीम भी आपकी क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है। अगली टीम अगर आप देखें तो वो कौन सी दी है, ए बी सी और एक्स, ए बी सी और एक्स, ठीक है, तो एक्स तो देखिए सबके साथ टीम में बना लेता है, वो तो कुछ बताया ही नहीं है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन भी देखना चाहते हैं, ए डब्ल्यू Y, Z, यदि आप इसको भी देखें तो W और Y आपस में काम नहीं करते हैं, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, A, B, C और X। बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ जो कि है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसमें यदि सभी तीन पुरुषों को चुन लिया जाए तो चार सदस्यों की टीम में कितने संयोजन संभव है, मतलब आपको क्या करना है, तीनों पुरुषों को चुन लेना है ए बी सी, तो आप कितनी टीमें यहां पर बना सकते हैं। तो देखिए क्या है मेरे पास, W X Y Z, ये संयोजन है, सपोज मैं यहां पर W लेता हूं तो B और W तो काम नहीं करते हैं, तो मतलब ये टीम नहीं बन सकती W के साथ। मैं क्या करता हूं, X लेता हूं तो मेरे पास टीम क्या बनती है, A B C X, तो ये टीम तो बन सकती है भाई, क्योंकि X तो A B C और सबके साथ काम कर सकता है, ठीक है, तो ये टीम तो बन गई, ठीक है। अब अगला Y के साथ चेक करते हैं, A B C तो हमने लेना ही है, मान लो आप X की जगह क्या ले रहे हैं, वाई ले रहे हैं, ठीक है, तो Y किसके साथ काम नहीं करता है, केवल W के साथ, तो W तो हमने लिया ही नहीं है, दो टीमें बन गई। अगला हमारे पास क्या आ गया, A B C और अंतिम क्या बचा था, Z, ठीक है, था लेकिन यहां पर आप देखें C और Z तो आपस में काम ही नहीं करते हैं, तो ये भी टीम नहीं बन सकती। तो टोटल जो टीमें हमारी बन सकती है इससे, वो बन सकती है केवल इसके दो पेयर, जो कि है ए बी सी एक्स और ए बी सी वाई। तो उम्मीद करता हूं कि जो अब तक हमने किया वो आपको क्लियर हो चुका होगा, और आपको इस तरह के काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि यदि आप पजल अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको पुलिस की वर्दी पहनने से कोई रोक नहीं सकता है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले जितनी वीडियोज हैं, मॉक टेस्ट हैं, उसके नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।